आपको बहुत सारे कछुए भी दिख जाएंगे, यहाँ पर कछुए भी हैं बहुत सारे। शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संत ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हुए ओटे बंद जो अंडा के पास में है इसमें है, और ओटे बंद में विष्णु मंदिर है और यहाँ हर साल मेला लगता है और इस बार भी यहाँ मेला लगा हुआ है। तो चलिए मैं आज आप लोग को यहाँ का पूरा मेला और मंदिर घुमाता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या खाने पीने की चीज़ें हैं और क्या क्या झूला आए हुए हैं मेले में वो भी मैं आज आप लोग को दिखला देता हूँ। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल पे, कंटिन्यू मेरे वीडियो वॉच करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पूरा मेला घूमते हैं और साथ ही साथ मंदिर भी। ये देखिए ये यहाँ पर है, पूरे चारों तरफ मेला लगा हुआ है, ये वाला यज्ञ स्थल है और इस तरफ मेला है और ये जो सामने है मंदिर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन कराता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम लोग मेला की ओर चलेंगे। और ये मेला करीबन 11 से 12 दिन चलेगा, ये मतलब इसका लास्ट है 14 तारीख तक ये मेला लास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं। और मंदिर के पास में ही आपको प्रसाद का सामान मिल जाएगा, आप यहां से नारियल फूल वूल ले जा सकते हो मंदिर अंदर चढ़ावा के लिए। और लेफ्ट और राइट साइड में आपको जूता चप्पल रखने की यहां पर व्यवस्था भी बनी हुई है, ये देखिए। तो हां तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं। और सबसे पहले जूता चप्पल हम लोग अपना रख लेते हैं यहीं पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर मंदिर और पहले हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद ऊपर और एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है वो भी दिखलाएंगे। और आप मंदिर जैसे ही आओगे तो आपको राइट साइड में मिल जाएगा हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर आपको मिलेगा गणेश जी की भी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर है गरुड़ स्तंभ और लोग यहाँ पर ऐसे हाथ फैलाते हैं ताकि दोनों हाथ टच हो जाए करके। और उस तरफ है दुर्गा मंदिर, तो वो भी हम लोग जाएंगे। हम लोग चलते हैं पहले मेन मंदिर में और विष्णु मंदिर। और ये विष्णु मंदिर का जो ये जो महोत्सव चल रहा है यहाँ 4 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा ये, तो आप लोग भी मेला घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर मंदिर में। ये देखिए नारायण भूदेवी और श्री देवी जी की मूर्ति है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से एक सर्कल लगाते हैं फिर चलते हैं ऊपर। और आप मंदिर के पीछे तरफ आओगे तो वहाँ पर आपको कृष्ण जी और राम जी की जो लीलाएं हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है, ये देखिए बरहा अवतार का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है, परशुराम जी है यहाँ पर, सबरी द्वारा जो बेर खिलाए थे राम जी को उनकी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इस प्रकार बहुत सारी मूर्तियाँ, ये देखिए वामन अवतार का बना हुआ विष्णु जी का,
और आपको अलग अलग अवतार के यहाँ पर मूर्तियाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर है नरसिंह सिंह अवतार का, और इस तरह आप कृष्ण द्वारा नागवध का भी मूर्ति देख सकते हो, और ये है मत्स्य अवतार का। तो एक प्रकार से यहाँ विष्णु जी की जो पूरे अवतार हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। अब नीचे तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं, ऊपर यहाँ पर बना हुआ है कैलाश जाने का रास्ता। ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है ऊपर, और ऊपर विशाल शिव जी की मूर्ति है। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं, और ऊपर से आपको मेला का और मंदिर का व्यू भी दिखलाते हैं। ये देखिए यहाँ से आप मंदिर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पर है शिव जी की विशाल प्रतिमा, बोलो हर हर महादेव, और महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। चलिए अब नीचे चलते हैं, वहाँ आपको कृष्ण राधा की। तो दोस्तों चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे विष्णु जी की भी विशाल प्रतिमा है जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी भी है, और बहुत सारे और देवी देवताओं की भी मूर्ति है। और वो एक यहाँ देखने लायक है, वो ओटेबंद में आकर्षण का केंद्र है वो मूर्तियाँ, उसके नाम से बहुत लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं हम लोग और आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए विष्णु जी की विशाल प्रतिमा,
करें। तो चलिए दोस्तों, बगल में है शिवलिंग है और ये देखिए यहाँ पर है शिवलिंग, जय भोले राम। और यहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पर है श्री गणेश जी। और यहाँ पर है श्री हनुमंती नमः, जय बजरंग बली, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, मंदिर का दर्शन हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं मेला की ओर। और इस तरफ है मेला, तो चलिए अभी हम लोग पूरा मेला घूमते हैं और आपको दिखलाते हैं मेला का व्यू। तो दोस्तों, ये है यज्ञ स्थल, ये देखिए यहीं पर महायज्ञ होना है जो 4 मार्च से स्टार्ट होगा। और ये एकदम मंदिर के जस्ट सामने ही है और इस तरफ से मेला स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग मेला की ओर चलते हैं। चलो भाई, सभी कलाकार तैयार हो जाएंगे। घंटी लगा भाई, रिंग मास्टर, घंटी लगा भाई, रिंग मास्टर, घंटी लगाओ। अरे चलो भाई, सभी कलाकार तैयार हो जाएंगे। मिस्टर इंडिया लोगो स्टैंड मैन। गाइस, ब्रेक डांस वाला चालू हो चुका है झूला, आइए आपको ब्रेक डांस वाला झूला दिखलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कपड़े की भी दुकान लगी हुई है
ये तुम तो इसमें ब्लैक है क्या? और ब्लैक है ना, आप छाट लो। हमारा गुप्ता जी आता तो यहाँ नहीं रहता। गाइस यहाँ पर बहुत सारे जूते चप्पलों की भी दुकान लगी गई। गाइस अभी यहाँ थोड़ा मेला खाली खाली है क्योंकि अधिकतर भीड़ यहाँ सैटरडे संडे को ही लगेगा और मेला के अंतिम समय में